हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में बीम क्या होता है और बीम कितने टाइप का हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे टाइप का बीम होता है, बट हमें जितना थोड़ी सी जानकारी चाहिए उसके बारे में, वो जानकारी हम लोग अभी फटाफट देख लेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग को मेरे साथ आ जाना है। हम लोग पढ़ने वाले हैं बेंडिंग ऑफ अ बीम या फिर बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम। दोनों चीज़ें एक ही जैसी हैं। बेंडिंग मीन्स बेंड हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें उसे बेंड करना है। बेंड करने के लिए क्या अप्लाई होगा, ये सब हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी हेडफोन को कान में लगाना है और मेरे साथ आ जाना है, ठीक है ना। और बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या बीम। तो हमारे पास कितने टाइप की बीम होती है, जैसे तो बीम होती बहुत सारी टाइप की है, बट हमें कुछ कॉमन टाइप की बीम्स को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बस, बाकी तो चीज़ें हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास बीम कैसी होती है, तो आपने थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन पावर बढ़ाइए और जहाँ पर आप बैठे हुए हैं उसकी छत के बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए। जैसे ही आप छत के बारे में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो छत किसी भी पिलर्स पर खड़ी है, पिलर पर खड़ी ना, पिलर्स होते हैं ना वो जो खड़े रहते हैं साइड में, चार बनाए जाते हैं, और ऊपर जो होता है छत के ऊपर ऐसे ऐसे करके बहुत सारी पट्टियां पड़ी रहती हैं, मोटी मोटी सी, इतनी मोटी मोटी सी, उनको हम बीम कह सकते हैं या कहते हैं। जो पुल बने होते हैं उनको, उनके नीचे भी बीम लगी रहती हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर समझ लीजिए कि एक्चुअल में बीम क्या होती है। तो सबसे पहले बीम का बेसिक स्ट्रक्चर एक इमेज देख लीजिए आप, पहले ये वाली, एक ये वाली भी देख लीजिए। तो बीम के बारे में ऐसे समझ में आ जाएगा, एक ये वाली भी देख लीजिए। तीनों में देखने के बाद क्या समझ में आया आपको, बताइए। सही से देख लिया, ठीक है ना। तो फिर अब बीम कैसा होता है, हमारे पास एक बेसिक बीम है। ये कहेंगे सर बेसिक और अनबेसिक बीम कैसी होती है, तो मेरे लिए अभी बताता हूँ कैसी होती है। देखो ये एक बीम है, ये बीम ऐसे है अभी, पर ये सपोर्टेड बीम है, सिंपल सपोर्टेड बीम। तो देखो कई टाइप से बना सकते हैं, हम इसको ऐसे बना रहे हैं, यहाँ पर इसको टेक दी गई है, मतलब सपोर्ट दिया गया है, सिंपल सपोर्टेड बीम है। अगर इसके नीचे व्हील लगा देंगे तो ये व्हील वाली बीम हो जाएगी, और अगर इसी का एक सिरा फिक्स कर देंगे हम, ये हमने एक सिरा इसका फिक्स कर दिया, ये कौन सी है, सिंपल सपोर्टेड बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम, ठीक है ना। और ये कैसी है, ये हमारी है कैसी, कैंटिलीवर है। कैंटिलीवर में क्या होता है, जैसे आप लोग छत के बाहर जब छत पे खड़े होते हैं तो थोड़ा सा एरिया, इतना 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 चौड़ा एरिया कुछ बाहर निकाला जाता है ना, इसमें आप खड़े के हेलो हाय करते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, अपनी रसमलाई चमचम को देखते हैं ना, तो इतना एरिया निकाला, तो इसे क्या कहते हैं, कैंटिलीवर, कैंटिलीवर, ठीक है, कैंटिलीवर कहते हैं। अब एक होती है ओवर हैंगिंग बीम, इसे क्या कहते हैं, कैंटिलीवर, ये हो गया सिंपल सपोर्टेड बीम, और एक होती है ओवर हैंगिंग। तो ओवर हैंगिंग में क्या हो जाएगा, देखो ये सारा ओवर हैंगिंग टाइप का दिख रहा है ना, हालांकि जो इस टाइप का होगा इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, कैसे, ऐसे मान लो यहाँ पर इसको सपोर्ट दे दिया गया, अरे उल्टा बन गया, ठीक है ना, ऐसे मान लो, ठीक है ना। और जो ओवर हैंगिंग होगी उसको ऐसे लगाएंगे, उसका इतना पार्ट खाली होगा, मतलब इतने पार्ट पर सपोर्ट नहीं होगा। देखो ये क्या हो जाएगी, ओवर हैंगिंग बीम, हैंगिंग बीम, अब क्लियर हुआ। तो ये इतने टाइप की थोड़ी सी सिंपल सी बीम होती है, और एक मूविंग व्हील होती है जिसके नीचे पहिए लगे रहते हैं, आप उसे थोड़ा सा स्लिप कर सकते हो, खिसका सकते हो, विस्का सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जितना अभी हमें लोगों को जानकारी चाहिए उसके बारे में देख ले रहे हैं। बट आपको ये भी याद रखना है कि बीम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है बहुत ही कैसा होता है, बहुत ही नॉर्मल सा होता है, बट जब हम उसे समझते हैं तो समझने के बाद में हमें ये लगता है कि हाँ यार एक्चुअल में क्या ऐसा भी कुछ होता है। तो हमारे पास में जो सिंपल बीम होती है वो कुछ ऐसी होती है, हमने इसे बीम का ये वाला पार्ट लिया है, नीचे वाला नहीं लिया हमने, तो हमने सिर्फ एक उसका बीम का एक ऐसा पार्ट लिया, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा इससे समझ में आ जाए, ये एक बीम है, ठीक है। अब बीम है, अब थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर को फिर से बढ़ाइए। जब आप पुल के नीचे से निकलते हैं, जब आप पुल के नीचे से निकलते हैं मेरी जान, तो क्या देखते हैं, कहेंगे सर मैं तो रोड देखता हूँ, रोड तो देखते हैं, कभी रुक करके आप सपोर्ट करके सोचिएगा कि जो बीम ऊपर से ऐसे पड़ी हुई हैं, ऐसे ऐसे करके सब जो लेयर्स लगी हुई हैं, वो एक्चुअल में ऐसे दिखती नहीं दिखती है, कहेंगे सर बिल्कुल दिखती है। अगर ऐसे दिखेंगी तो क्या वो सारी की सारी लेयर एक लाइन से बन गई होगी, इसमें बहुत सारी लेयर्स होंगी, मीन्स नंबर ऑफ लेयर्स मैनी होंगे इसमें, बहुत सारे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ऐसे करके बहुत सारे इसमें लेयर होंगी, मान लो ये बहुत सारी लेयर होंगी इसमें, ठीक है, ओके होंगी सर।
अब एक छोटा सा और एग्जांपल समझिए कि अगर हम किसी भी, ये मान लो कि ऐसी बीम है, छोटा सा लकड़ी के टुकड़े से हम लोग एग्जांपल समझ वो स्टार्ट करते हैं। हमने एक बांस का छोटा सा लकड़ी लिया, छोटा सा लकड़ी लिया, ठीक है ना, लकड़ी लिया हमने छोटी सी। जब छोटी सी लकड़ी लेंगे तो उस पर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो क्या होता है, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, ऐसा बन जाता, नहीं बन जाता है, जब ऊपर से फोर्स लगाते हैं। और अब थोड़ा बहुत ध्यान समझिएगा, जब हम उसको ऐसे पकड़ के ऐसे दबाते हैं, दबाते हैं, दबाते हैं, तो क्या होगा, दबाने के बाद में क्या होगा, सोचिए, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है ना, सोचिए थोड़ा सा। जब इसको दबाएंगे तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब इस टाइप का हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ना हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, उसको ऐसे दबा करके ना ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे पकड़ा और ऐसे दबाया, मतलब ऐसे किया, समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे, मतलब ये वाला फोर्स लगा रहे हैं और ये वाला ऊपर बढ़ा रहे हैं, ये वाला लगा रहे हैं, ये वाला, कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स कर रहे, ठीक है ना। कपल ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, देखो हमने इसको ऐसे पकड़ के दबाया तो यहां से एक फोर्स ऐसे लगाया, यहां से एक फोर्स ऐसे लगाया, और ऊपर वाली उंगलियों को कैसे लगाया, इधर की तरफ लगाया। बताओ कोई दिक्कत, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ऐसे फोर्स लगाया। अब जब ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगी, ये थोड़ी सी ऊपर खिसक जाएगी, थोड़ी सी ऊपर खिसक जाएगी, ऐसे करके, मान लो ये वाला पार्ट यहाँ पहुँच गया और ये वाला पार्ट यहाँ पहुँच गया, मान लो ऐसा, इतना डिफ्लेक्शन नहीं होगा, हालांकि बिल्कुल छोटा सा डिफ्लेक्शन होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है सर बिल्कुल हो जाएगा। कैसे फोर्स लग रहा है, ये समझ लो कि टॉर्क कैसे लगा रहे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉर्क लगाना ही है इसमें। अब जब हमने इस पर टॉर्क लगाया तो इसके इस सिरे के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये वाला सिरा जो दिया है ए बी, इसको हमने यहाँ बनाया ए बी, और ये सिरा ऐसा कुछ है और ये वाला ऐसा कुछ है। हमने इस वाले सिरे को ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। जब हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पर कौन सा फोर्स काम करेगा, ठीक है, यहाँ जब ऐसे करेंगे तो कैसे, देखो दोनों को अपने ऐसे पकड़ा है ऐसे करके और ऐसे कर रहे हैं, अपने हाथ को ऐसे मोड़ रहे हैं, तो देखो ये वाला जो सरफेस है इसको हम बाहर फेंक रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा इस वाले पॉइंट के पास में, इस वाले पॉइंट के पास में मिनिमम, फिर इस वाले पॉइंट के पास और मिनिमम, फिर इस वाले पॉइंट के पास में और मिनिमम, फिर इस वाले पॉइंट के पास थोड़ा सा और कम, फिर और कम, फिर और कम, और फिर फाइनली जीरो हो गया यहाँ पे, मान लो यहाँ पे जीरो हो गया। अब देखो इस वाले पॉइंट पर कैसा टॉर्क लगेगा, यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा बढ़ेगा इस लेयर में, थोड़ा सा और बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ गया फोर्स, फिर ये ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, ये कुछ दिख रहा है, ये एक सिरा है। कहने का मतलब क्या है, इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है और इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, क्योंकि सर बिल्कुल लग रहा है। जब टॉर्क लगता है तो आपको ये समझ में आता होगा कि सर इसके बीच एक रेडियस होगी, अब रेडियस का एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ पर टॉर्क जीरो होगा, अगर रेडियस को जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब हमने माना कि ये एक ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट्स को मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए एक ऐसी लाइन मिली जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल लाइन, न्यूट्रल लाइन, ठीक है। न्यूट्रल लाइन की खासियत क्या है, क्या प्रॉपर्टीज रखता है, तो ये ऐसी लाइन होती है जिस पर टॉर्क की वैल्यू जीरो होती है। कहेंगे सर ऐसा क्यों हो गया, एक अब टॉर्क की वैल्यू जीरो है इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल डिफ्लेक्टेड नहीं होगी, बिल्कुल इसमें बेंडिंग नहीं होगी, थोड़ा सा भी बेंड नहीं होगा। बेंड का मतलब क्या होता है, हमें टॉर्क निकालना है, अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद में कितना बेंड हो जाएगी और उसका रिलेशन क्या होगा, उसका डेरिवेशन क्या होगा, ये हम लोग समझना चाहते हैं। तो हमने कहा सर बिल्कुल समझ लेंगे, तो इस वाले पॉइंट पर इतना, इस वाले पॉइंट पर इतना, फिर यहाँ पर आए इसके मिडिल वाले पॉइंट पर और इसके मिडिल वाले पॉइंट पर, यहाँ पर ये फोर्स इतना है और यहाँ पर ये फोर्स इतना है, इसका जस्ट आधा हो गया, इस पर आधे है तो यहाँ पर इतना आ गया, ये यहाँ पर इतना आ गया, बिल्कुल सर आ गया। अब इस वाले पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू जो है, टॉर्क जो है बिल्कुल जीरो हो गया, ऐसी कंडीशन यहाँ पर भी होगी। जब ये ऐसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा, तो हमने माना कि ये इसका सिरा है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी पॉइंट, ठीक है ना। अब इसको जब हमने इस पर इतना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, अब आपको डायरेक्शन समझ में आ गई, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस ऐसा एक्सिस होता है जिस पर टॉर्क लगाने की वजह से कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो मेरे जान, वो क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है ना। अब ये कुछ ऐसा बनेगा, ये बहुत बेंड कर दिया मैंने, बहुत ही ज़्यादा बेंड कर दिया मैंने इसको, तो इतनी बेंडिंग नहीं होगी इसमें, बहुत छोटी सी, बिल्कुल चुन्नू सी बेंडिंग बनाएंगे। जो ये वाला पॉइंट लिया ऐसे करके, ये इतना हो गया, ये बी पॉइंट है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा बी पॉइंट है ये, और ये यहां पर आया ए पॉइंट, ये वाला हो गया हमारा ए
और ये हो गया बी, ठीक है ना, ऐसे करके, और ये यहाँ पहुँच गया, थोड़ा सा बेंड हुआ है मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा। और ये इसकी कौन सी एक्सेस है, ये इसकी वो एक्सेस है जहाँ पर टॉर्क की वैल्यू क्या है, जीरो है, टॉर्क की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है ना, न्यूट्रल एक्सेस है, न्यूट्रल एक्सेस है। इतना क्लियर हुआ? अब देखो जितना ये बेंड हुआ, जितना ये बेंड हुआ है, ठीक है, जितना ये बेंड हुआ है उसका कुछ एंगल होगा, इससे ऐसे करके मिलाएंगे तो एंगल बनेगा। हमने माना कि इस छोटे से पार्ट के लिए, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लो इसके, हमने माना कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में, और एक ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हमने सेंटर मान लिया, ठीक है, और इसका छोटा सा कंपोनेंट निकाल लिया, क्योंकि सभी की रेडियस इक्वल होगी, सभी की रेडियस इक्वल होगी, अगर हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये बोल्ट के नीचे जाएगा, ऐसे मिलेगा करके, तो हमने क्या छोटा सा कंपोनेंट ले लिया। जैसे ही कंपोनेंट लेंगे वैसे ही क्या बनेगा जा करके, ये वाला इसके पैरेलल जा करके कुछ ऐसे यहाँ पे मिलेगा करके, और ये वाला जाकर ऐसे यहाँ मिलेगा करके, ठीक है ना, ऐसे मिलेगा करके, ओके। अब इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, कहेंगे सर कितना हो जाएगा, हमने कहा थीटा हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आया। जितना ये बेंड होगा, जितना ये बेंड होगा उतना ही रेडियस बनाएगा गोल गोल, कुछ ऐसे करके, ऐसे गोल बनाएगा तो सेंटर हो जाएगा। अब ये रेडियस इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी कि हम उसे इस बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सोचो इतनी बड़ी एक बीम है, उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो, बिल्कुल थोड़ा सा, अगर डिफ्लेक्शन ना हो तो उसके बीच देखो मेरा 90 एंगल है, 90 एंगल कंप्लीट करेगा तो रेडियस कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी जा करके, रेडियस कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। अगर इन्फिनिटी होगी तो फिर हम रेडियस निकाल नहीं पाएंगे, जब थोड़ा सा बेंड हुआ तो ये जो इन्फिनिटी पे जा रहा उससे पहले मिलेगा, थोड़ा सा पहले, ठीक है ना, इतना हो गया थीटा एंगल पे। हमने कहा सर ये क्या है, तो हमने कहा भाई साहब ये है हमारी रेडियस, इसका नाम दिया हमने आर, ठीक है ना, इतना यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम दिया सेंटर। अब ये दो पॉइंट हम ले हैं हमारे पास, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो पी, एक पॉइंट ले लो एस, पी एस हो गया, ठीक है ना। अब ये कौन से पॉइंट्स हैं, तो ये वाले पॉइंट हमने यहाँ पे लिए, ये पी पॉइंट और ये एस, ठीक है ना। अभी यहाँ की जो लेंथ थी वो हमने ली एल शुरुआत में, जैसे इस पर हमने जब एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में ये पी वाला पॉइंट पहुंच के, देखो पी वाला भी यहाँ पर होगा, पी वाला एस वाला यहाँ पर होगा, पर जब एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे तो ये लेंथ बढ़ जाएगी, देखो यहाँ पर पहुँचेगा जा करके ऐसे करके इस वाले पॉइंट पर, और ये इस वाले पॉइंट पर। अगर हमें चेंज निकालना तो हमें ये निकालना पड़ेगा, इस चुन्नू से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ये वाली, अरे ऐसे समझो ये वाला पॉइंट था, एक ये वाला पॉइंट था यहाँ पर, यहाँ पर, इसको हमने ऐसे मिलाया, ठीक है। अब जब ये डिस्टेंस निकालोगे तो ये वाला चेंज हो जाएगा इसका, दोनों को ऐड करके, तो हमें चेंज तो निकालना है पर बाद में निकालेंगे। तो पर इस वाले पॉइंट को और जो इसका सेंटर है, ये सेंटर को मान लिया हमने, क्या मान लिया बताओ, एल ले ले, डेल्टा एल, एक्स ले, चलो एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लिया, तो ये वाला जो पॉइंट है इतना, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा एक्स। अभी ये कितना है, आर है, और ये कितना है, इतना। अब हमने इसका नाम लिखा पी डैश एस डैश, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा फिर दिमाग लगाओ, पी एस की वैल्यू कितनी, एल, चेंज कितना हो रहा है, पी डैश एस डैश। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, अब हमें यहाँ से निकालना है स्ट्रेन, हमें यहाँ से निकालनी है स्ट्रेन। जब स्ट्रेन निकालेंगे तो स्ट्रेन निकालने के बाद में क्या आएगा, स्ट्रेन निकालने के बाद में क्या आएगा, स्ट्रेन जैसे ही हम निकालेंगे यहाँ से, वहाँ से हमको कुछ और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, कैसे लगाओगे स्ट्रेन से बताओ, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, ये तो होता है ना फॉर्मूला। जैसे आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो देखो उसमें कौन सा चेंजेस हुआ है, चेंज हो रहा है इसमें कितना, पी डैश एच डैश, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, पी एस, ये तो स्ट्रेन होगी ना इसकी, बताओ कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल लेंथ पी एस, चेंज इन लेंथ पी डैश एच डैश, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा, स्ट्रेन ई इज इक्वल टू, स्ट्रेन ई इज इक्वल टू, कौन सी स्ट्रेन होगी इसमें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना, इज इक्वल टू पी डैश एस डैश, ठीक है। क्या ये चेंज है, क्या ये चेंज है, अगर किसी ने कह दिया हाँ तो उसको खींच के ना ऐसे ऐसे हिला के मारूंगा मैं, पी डैश एच डैश माइनस का पी एस अपॉन में ओरिजिनल लेंथ पी एस, चेंज तो ऐसे निकलेगा ना, चेंज तो ऐसे निकलेगा ना, पहले इतना था 20 था, फिर 22 में 22 हो गया, तो 22 होने के साथ में क्या होगा, पहले 20 था फिर 22 हो गया, तो क्या 22/20 लिखोगे, नहीं ना, दोनों को लेस करके लिखोगे, हमने लिख दिया ऐसे करके, ठीक है ना, इतना हो गया स्ट्रेन, ओके। अब देखो इतनी रेडियस है, इतनी लेंथ है इसकी, ये एंगल थीटा है। अब इस वाले लेंथ के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगा लो, पहले इसमें क्या है, देखो ये थीटा है, मतलब ये क्या है, ओ है, ये क्या है, पी है, ये क्या है, एस है, ये क्या है, आर है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एल, शुरुआत वाला है। तो एंगल इज इक्वल टू थीटा है, एंगल इज इक्वल टू आर कितनी है, एल, रेडियस कितनी है, आर,
तो एल कितना हो जाएगा, थीटा इंटू आर। ये एल है क्या, तो एल है कितना, पी एस है बाई ये आर है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो चाहे एल, चलो एल हटाओ क्योंकि हमने वहां पर एल नहीं लिया है, इसलिए तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एल हटा दो, इतना हो जाएगा। तो पी एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। इतना क्लियर है। अब इसी ट्राइंगल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, यहाँ पर और ये यहाँ पर कितना चेंज हमने लिया है, डेल्टा एक्स, मतलब यहाँ एक्स लिया है मान लो, तो ये कितना है, इतना एक्स है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा ना, तो कितना हो जाएगा। अब ये क्या है, ये है पी डैश, ये है एस डैश, दोनों को मिला दिया हमने। जैसे हमने मिलाया तो यहाँ से एंगल कितना जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, आर्क पी डैश एस डैश बाई, रेडियस कितनी है, आर प्लस एक्स, तो यहाँ से पी डैश एच डैश कितना आ जाएगा, एक्स प्लस आर इंटू थीटा। इतना क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत, संगे कोई दिक्कत नहीं है। अब चेंज निकालना है, पी डैश एच डैश इतना, मीन्स इतने से इतना लेस करोगे जितना आएगा वो चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। चेंज निकालना है हमको, सारा काम चेंज ही का है, बाकी तो इजी है, ठीक है ना। चेंज हम निकालेंगे फिर इसका खेल चलेंगे आगे। अब चेंज इन लेंथ यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू पी डैश एस डैश माइनस पी एस, लेस कर दोनों का, तो इतना दिया है पी एस यहाँ लिखा, दोनों को लेस कर दिया, इज इक्वल टू कितना है, थीटा इंटू आर, माइनस कर दिया। जैसे हमने माइनस किया तो पी डैश एस डैश माइनस पी एस इज इक्वल टू थीटा इंटू एक्स प्लस का आर थीटा माइनस का थीटा आर, ये उड़िंग हो जाएगा, कितना बचेगा, थीटा इंटू एक्स बचेगा, थीटा इंटू एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, कहेंगे सर बिल्कुल बचेगा, तो हमने यहाँ क्या लिखा, थीटा यहाँ लिखा एक्स, और पी एस कितना है हमारे पास, पी एस है थीटा इंटू आर, ये उड़िंग हो गया। ई कितना आ गया हमारा, आ गया एक्स बाई आर, ये आ गया स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे पता समझ लो, एक बार पहले बीम थी, इसको हमने बेंड किया, एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, एक ऐसी एक्सेस होती है जिस पर कि टॉर्क जीरो होता है, ठीक है ना। जैसे टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर टॉर्क, टॉर्क ठीक है ना, टॉर्क लगाया तो क्या हुआ, कुछ ऐसा आ गया, न्यूट्रल पॉइंट इतना था, तो इसकी पहले ओरिजिनल इतनी थी, एल थी मान लिया या पी एस थी, फिर जब टॉर्क लगाया तो डैश पी डैश एच डैश हो गया, तो हमें चेंज निकालना है, क्यों, स्ट्रेन निकालनी है। स्ट्रेन निकालने के लिए हमने क्या किया, टोन चेंज निकाल लिया इसका, पहले 20 थी बाद में 22 हो गई, तो हमने इसको लेस कर दिया, लेस करने के बाद में स्ट्रेन जब निकाला तो स्ट्रेन की वैल्यू ये आ गई, और ये इसका छोटा सा कॉन्स्ट्रक्शन है, ठीक है ना। आप चाहो तो थोड़ा सा दिमाग ऐसे लगा सकते थे, कैसे लगा सकते थे, देखो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, एक्स कितनी रेडियस है, आर एक्स बाई आर, काम खत्म, छोटे सा दिमाग लगाना था, पर वही है कि सर इतना दिमाग कैसे लगाऊँ, कैसे लगाऊँ मैं दिमाग, है ना। तो ये हो गया इतना, अब आगे क्या करना है, ये मैंने क्यों इसको साफ कर दिया, चलो इसको भी साफ कर देंगे क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब अच्छा स्ट्रेन तो हमारे पास से मिल गई हमको, स्ट्रेन के साथ में हमें क्या चाहिए था, हमें निकालना क्या है, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क के लिए, टॉर्क निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, पहले समझो, टॉर्क निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए रेडियस होनी चाहिए, कहेंगे सर बिल्कुल होनी चाहिए, कौन सी रेडियस, जो टॉर्क क्रिएट करे, तो यहाँ पे कितनी रेडियस टॉर्क क्रिएट कर रही है, ये एक्स, ये एक्स रेडियस टॉर्क क्रिएट कर रही है। अब कितने एरिया पर करेगी, छोटा सा एरिया ले लेंगे, अब छोटा एरिया लें या पूरा एरिया ले लें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, दो तरीके से हो सकता है, अच्छा छोटा सा एरिया लेके कर लो या पूरा एरिया लेके कर लो। तो हमने माना यंग मॉड्यूलस होता है वाई इज इक्वल एस बाई ई, एस इज इक्वल होता है एफ बाई ए ई, ठीक है ना, ये होता है। अब हमने यंग मॉड्यूलस लगाया बट छोटे से एरिया पर लगाया, कौन से छोटे से एरिया, इस छोटे से एरिया पर लगा दिया। अब ये जब छोटा सा एरिया ऐसे सोचोगे ना, तो ये छोटा सा एरिया ऐसे घूमेगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से फोर्स हो जाएगा आपका कितना, अब छोटे से एरिया पर निकालोगे तो छोटा सा फोर्स होगा, छोटा सा फोर्स इज इक्वल टू, छोटा सा फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई फिर डी ए, डी ए फिर कितना, ई, ई कितना है एक्स बाई आर, एक्स बाई आर, ये हो गया सर, इतना हो गया। अब छोटा सा फोर्स है तो छोटा सा टॉर्क बनेगा, अब छोटा सा टॉर्क तो डी टॉर्क इज इक्वल टू डी एफ आर इंटू एफ, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ आगे साइन थीटा होगा बट उसकी वैल्यू 90 हो जाएगी, कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी। अब थीटा का मतलब ये नहीं, जो हमने एंगल बनाया था वो थीटा हो जाएगा, जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है ना। तो आर कितना है, यहाँ पर है एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, डी एफ कितना है, वाई डी ए एक्स
बाई आर, और ये आर कितना है एक्स, ये आर कितना है एक्स इतना, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा इतना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये डी टॉर्क हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन करो 0 से टॉर्क तक, 0 से कितना कितना ए तक, टोटल एरिया चाहिए ना हमें, या होल सरफेस कर लूँ, और डी ए। अब सॉल्व करो तो यहाँ से कितना आएगा, टॉर्क आ जाएगा, ये टॉर्क आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई एक्स वाई बाई आर आ जाएगा, पहले तो बाहर करो उसको, वाई बाई आर को, वाई बाई आर और ये डी हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और डी ए। अब याद करो वो दिन जब मैंने आपको रोटेशनल मोशन पढ़ाया था, बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम, टॉर्क होता है, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, इसे कहते हैं हम मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है ना, या फिर इसे ही हम कहते हैं क्या, ज्योग्राफिकल बोल सकते हैं, ज्योग्राफिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं, जो चाहो आप वो बोल सकते हो, कोई दिक्कत है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ एरिया याद रखो, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ एरिया रखो, ज्योग्राफिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, आई जी या आई ले लेंगे, तो हमारे पास जो टॉर्क आएगा कितना आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू वाई बाई आर, और यहाँ लिखेंगे आई जी, ई हो गया। अब इस वाले फॉर्मूले को कुछ ऐसे बुक्स में लिखा हुआ है, तो टॉर्क, अब टॉर्क की जगह पर बेंडिंग मोमेंट होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मोमेंट, मोमेंट एम बाई आई जी, या फिर ओनली आई लिखा होगा, इज इक्वल टू वाई बाई आर, वाई बाई आर, ये हमारा एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के आगे भी एक फॉर्मूला होता है, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसे जानने की आपकी ज़रूरत भी नहीं है, है ना। ये हमारा हो गया क्या, बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम, बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम, फटाफट छापो इसको, फटाफट छापो, फटाफट फटाफट छाप लिया। ओके अब इसके आगे देखो, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें और बचा है, डिप्लेक्शन ऑफ बीम, कितना डिप्लेक्शन होगा अगर बीम हम बनाए और पुल पे लगाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं कि ऐसी बीम बनाते हैं कि बीम ही गिर जाती है, पुल ही टूट जाता है। तो डिप्लेक्शन ऑफ बीम का मतलब क्या है, हमें ऐसी बीम बनानी है जिसमें मैक्सिमम वेट को हम उसमें से गुजार सकें, और गुजारने के साथ में और क्या कर सकें, और ये कर सकें कि उस पर जितना भी वेट आया है वो उस पर से आसानी से आदमी को निकाल सकें, और बिना कोई डिप्लेक्शन हुए, कोई प्रॉब्लम हुए, वो हमेशा चलता रहे। पुराने ज़माने का टाइम देखो, उसमें तो कोई बीम ही नहीं होती थी, कोई सरिया नहीं होती थी, फिर भी इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन करते थे वो लोग, है ना। वो आज के ज़माने में सरिया इतना गलता है, उसके बाद भी देखो कि पता नहीं कब छत और घर गिर जाए। तो ये हो गया हमारा डिप्लेक्शन ऑफ बीम में क्या होता है। तो हमारे पास एक बीम होगी सबसे पहले, ठीक है, ये 3D में यहाँ पे होगी, 3D में हम ऐसे बनाएंगे इसको, ये हो गया 3D बीम, ठीक है ना, 3D बीम, सही है, सही लग नहीं रही, टेढ़ी मेढ़ी लग रही क्या, ये ठीक है ना, ऐसे हो गया, इतना क्लियर है। अब देखो ये इसकी है लेंथ, ये इसकी है लेंथ, और इसके बीच में लग रहा है लोड, लोड ठीक है ना, ये इसका है एल, ये है इसका बी, एल बी एच, एच कितना है, ये इसको एच मान लो, इसको मान लो एच, ठीक है ना, ये इसको क्या लोगे, इसको एच मानो, हाइट ना, हाइट इसको एच मान लो, एच, और ये मान लो बी। तो यहाँ पर जो लोड लगेगा वो कैसे लगता है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, हालांकि डिफ्लेक्शन का एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, जब हम लोग बेसिक मैकेनिक्स देखेंगे तो उसमें आ जाएगा, ये डब्ल्यू एल क्यूब बाई 4y, अब देखो वहाँ पर y भी है और बी डी क्यूब है, बी डी क्यूब इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ये कितना यहाँ से झुक जाएगी, ठीक है, ये जो चेंज आया है इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन, जब लोड लगेगा तब, लोड लगने के बाद जो चेंज आएगा वो चेंज इतना होगा, और वो चेंज क्या रिप्रेजेंट करेगा कि बीम कैसी है आपकी,
मतलब आपने कैसी बीम बनाई है, अच्छी बीम बनाई है या बेकार बीम बनाई है। अगर आपने अच्छी बनाई होगी तो आपने क्या ज़्यादा रखा होगा, आपने इस बी डी की वैल्यू, देखो डी को ध्यान में रखो, अगर हम डी को इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा, डिप्लेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो डिप्लेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लेंथ को इंक्रीज़ करने पर डिप्लेक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। डब्ल्यू तो कांस्टेंट रहेगा या तो घटता बढ़ता रहेगा, अगर ज़्यादा वेट रखोगे तो तब जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आपने वेट को इंक्रीज़ कर दिया, एक पुल आपने बनाया, मान लो ये वाला पुल बनाया आपने, इस पुल का जो ये फॉर्मूला निकालने के बाद में आया कि इस पर हम 4000 kg वेट रख सकते हैं, मान लो 40,000, मान लो 4 लाख, मान लो है ना, 4 लाख kg वेट इस पर रख सकते हैं, तब ये डिफ्लेक्शन कितना होगा इसका, 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री मान लो। बट हमने क्या किया इसमें, इतना कर दिया, तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा। तो हमें इतना सहन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बढ़ाएं, लेंथ बढ़ा दें, लेंथ बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो इसको खत्म कर दिया हमने, वेट तो हमारा कांस्टेंट हो गया। वाई, वाई को बढ़ा देंगे, ठीक है, वाई को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। दूसरा बी को बढ़ा सकते हैं, बी बी क्या है, डी कहाँ है इसमें, तो डी हमारा है ये, इसको ऐसे रखो, ये डी है और ये बी है, हमने फॉर्मूला उतर दिया, ठीक है ना, बी डी हमने इसको बढ़ा दिया।